Hi dear students, how are you doing? We are Punya Study Circle and again extending you cordial welcome in our classroom. बच्चों आज हम लोग जर्नल के विषय में स्टडी करेंगे. विल बी डिस्कसिंग अबाउट अकाउंटिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू जर्नलाइजेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. हियर वी विल अज्यूम द कॉन्सेप्ट ऑफ ए स्मॉल बिजनेस. यहाँ हम ये मानकर चलेंगे कि जो हमारा व्यवसाय है वो एक छोटा व्यवसाय है, स्थानीय स्तर का व्यवसाय है. इसीलिए जितने भी हमारे आर्थिक लेन देन है उनको हम एक सिंगल वही के अंदर, एक सिंगल बुक के अंदर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसको टाइटल हम देंगे जर्नल. जब हमारे व्यवसाय का आकार बढ़ेगा, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ेगा, देयर वैराइटीज बढ़ेगी, उस कंडीशन में हम जर्नल को भी क्लासिफाइड करेंगे सब्सिडरी बुक या डे बुक के अंदर. सो हियर बिफोर स्टार्टिंग दिस अकाउंटिंग प्रॉब्लम लेट मी क्लियर यू दैट ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड इंटू थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. रियल अकाउंट्स आर ऑल दोस अकाउंट विच आर रिलेटेड टू द एसेट्स. बिकॉज़ जो रियल अकाउंट्स होते हैं, जो वास्तविक खाते होते हैं, वो खाते होते हैं जो संपत्ति से संबंधित हैं. संपत्ति चाहे हमारी फिक्स्ड एसेट्स है, चाहे वो हमारी करंट एसेट्स है, चाहे वो टेंजिबल है या इनटेंजिबल है. जैसे हम बात करते हैं फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, मोटर व्हीकल्स है हमारे, जो हमारे प्रोमाइसेस वगैरह है, वो सारे के सारे हमारे फिक्स एसेट्स आते हैं. ऐसे ही जो इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स होते हैं, गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपी राइट्स है, हमारे माइनिंग राइट्स है, वो सारी की चीजें हमारी इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स में आती है. उसके साथ साथ इन्वेंट्रीज है, डेटर्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, हमारा कैश है, हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस है, वो सारे के सारे हमारे करंट एसेट्स के अंदर आ जाएंगे. प्रीपेड एक्सपेंसेस तो फिर भी हमारे क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर जाते हैं, वो पर्सनल अकाउंट के अंदर चले जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर. तो यहां हम बात कर रहे हैं केवल रियल अकाउंट की. रियल अकाउंट के केस में रूल क्या होता है हमारा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो आता है, जो संपत्ति आएगी व्यवसाय में उसको डेबिट करेंगे, जो संपत्ति जाएगी उस संपत्ति को हम क्रेडिट करेंगे. देन वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट्स आर ऑल दोस अकाउंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू और ओपन इन द नेम ऑफ एन नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और दोस इनकम एंड एक्सपेंसेस. दैट मीन्स दोस नॉमिनल अकाउंट व्हिच आर हैविंग ए प्रीफिक्स विद देयर नेम. वो नॉमिनल अकाउंट जिसके साथ हम कोई प्रीफिक्स यूज कर लेते हैं, जैसे हमारा आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, अक्रूड है, अनअक्रूड है, अनअर्न है, वो सारे प्रीफिक्स जब हम किसी नॉमिनल अकाउंट के साथ यूज करते हैं तो वो नॉमिनल अकाउंट हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं. बेटे जो पर्सनल अकाउंट होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं. वो खाते जो प्राकृतिक व्यक्तियों से संबंधित है, राम श्याम घनश्याम सीता गीता कविता, ये सारे के सारे अकाउंट क्या होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट या नेचुरल पर्सन अकाउंट. फिर हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं, वो सभी खाते जो किसी संस्था, किसी ट्रस्ट के नाम से ओपन किए जाते हैं. ठीक है, जैसे टाटा कंसल्टेंसी ग्रुप से हमारा इंफोसिस है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल नहीं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं जो अकाउंट एक्चुअल में नॉमिनल अकाउंट होते हैं, लेकिन जिसके साथ हम कोई प्रीफिक्स, उसके नाम के पहले हम कोई शब्द यूज करते हैं. जैसे हमारा अग्रिम व्यय है, जैसे हमारी अग्रिम आय है, एडवांस में जो हमें इनकम मिल जाती है, हमारी अर्जित आय है, अनार्जित आय है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. अब पर्सनल अकाउंट के केस में हमारा रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. जिस व्यक्ति या संस्था को मिलता है उसको डेबिट करते हैं और जिस व्यक्ति और संस्था के द्वारा भुगतान किया जाता है उसको हम हमेशा क्रेडिट करते हैं. देन वी आर हैविंग नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट्स आर ऑल दोस अकाउंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉसेस. वो सभी खाते जो आय व्यय लाभ हानि से संबंधित होते हैं उनको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं. नॉमिनल अकाउंट का हमारा रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन. अगर कोई एक्सपेंस हमने किया है, कोई खर्चा हमने किया है, उसको हम डेबिट करेंगे. अगर कोई हानि हुई है हमें, उसको भी डेबिट करेंगे. अगर हमें कोई इनकम अर्जित हुई है, इनकम आय अर्जित हुई है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे. ऐसे ही हमें कोई गेन हो गया या प्रॉफिट हो गया, उसको भी हम क्रेडिट ही करेंगे. हियर वी आर हैविंग सम ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस व्हिच वी विल जर्नलाइज टू आर जर्नल. सबसे पहले जर्नल के ऊपर आप क्या लिखेंगे, जर्नल ऑफ द कंसर्न. कंसर्न का नाम यहाँ पर क्या दे रखा है, मनोहर लाल एंड सन. इन द जर्नल्स ऑफ और इन द बुक्स ऑफ क्या लिखेंगे, ये हमारे ओरिजिनल बुक्स होते हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ मनोहर लाल एंड सन एंड जर्नल. जर्नल का फॉर्मेट आपको पता है, वेरी फर्स्ट कॉलम वी आर हैविंग द नेम ऑफ डेट. देन पर्टिकुलर यहाँ हम अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करेंगे, वो अकाउंट इनवॉल्व है जो लिखा जाएगा, नरेशन लिखी जाएगी, ट्रांजेक्शन को सेपरेट किया जाएगा ओरिजिनल लाइन से. दिस इज आर एलएफ कॉलम, ये हमारा एलएफ कॉलम रहता है. जब पोस्टिंग करते हैं ट्रांजेक्शन की तो यहाँ उस अकाउंट का पेज नंबर लिखा जाता है जिस अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन हमारी पोस्ट हुई है. हियर वी आर हैविंग अमाउंट डेबिट, वो अमाउंट जो हमें डेबिट करना है. हियर वी आर हैविंग अमाउंट क्रेडिट, वो खाता जिसको हम क्रेडिट करेंगे. जो हमारा डेट कॉलम है, अगर आपको ट्रांजेक्शन के अंदर डेट मेंशन नहीं करके दे रखा है, इन दैट केस वी विल राइट द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. अगर आपको डेट दे रखा है तो आप डेट को मेंशन करेंगे यहां पर.
So, इन्हीं जनरल रूल्स को फॉलो करते हुए वी विल ट्राई टू जनरलाइज ऑल दीज एट ट्रांजेक्शन गिवन इन द अकाउंटिंग प्रॉब्लम. वेरी फर्स्ट लेट मी रीड वन बाय वन ईच ऑफ दीज फॉर यू. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जो गोपाल एंड सन है उन्होंने व्यवसाय आरंभ किया रूपीज 60,000 के साथ. हियर वी आर हैविंग टू अकाउंट इनक्लूड कैश एंड लायबिलिटी. लायबिलिटी को आप प्रोप्राइटर बोल सकते हैं, यहाँ मालिक ने व्यवसाय स्टार्ट किया है पैसा लगाकर. कैश जो है वो हमारा एसेट्स अकाउंट है, रियल अकाउंट है, जबकि जो हमारा प्रोप्राइटर अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, वो हमारा कैसा अकाउंट है. प्रोप्राइटर अकाउंट हमेशा पर्सनल अकाउंट ही होता है लायबिलिटी की सेंस में, क्योंकि जो हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं उनको लायबिलिटी और एसेट्स में हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा, डेटर और क्रेडिटर में हमें उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा. सो प्रोप्राइटर है हमारा लायबिलिटी अकाउंट है, तो वहां पर हमें पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना पड़ेगा. उन्होंने पे किया है तो उनको क्रेडिट किया जाएगा, और मिला व्यवसाय को है क्या मिला है कैश. कैश हमारा नॉमिनल सॉरी रियल अकाउंट होता है, सो कैश आएगा तो उसको डेबिट करेंगे और यहाँ प्रोप्राइटर को कैपिटल के नाम से क्रेडिट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट 60,000. सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारा परचेज फर्नीचर. बेटे परचेज के केस में आप ध्यान रखें, परचेज ऑफ एसेट्स एंड परचेज ऑफ गुड्स आर डिफरेंट. जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो वहां केवल हम परचेज अकाउंट क्रिएट करते हैं, लेकिन जब हम किसी एसेट्स को बाय और सेल करते हैं तो वहां कंसर्न एसेट्स का नाम मेंशन किया जाता है. अनदर थिंग हमारी क्या होती है, अगर आपको परचेज के ट्रांजेक्शन में कैश शब्द नहीं दे रखा, ठीक है, सप्लायर का नाम दे रखा है यहाँ पे, तो हम उस ट्रांजेक्शन को क्रेडिट मानेंगे, लेकिन अगर आपको कैश वर्ड दे रखा है तो आप उसको कैश मानेंगे. अगर कैश और सप्लायर का नाम दोनों दे रखे हैं तो भी आप उसको कैश ही मानेंगे. क्रेडिट कब माना जाएगा, जब कैश शब्द ना देकर केवल सप्लायर का नाम दे दिया जाए. ऐसे ही हमारे सेल्स और गुड्स के ट्रांजेक्शन में होता है, अगर कस्टमर का नाम दिया गया है तो हम उसको क्रेडिट में मान लेते हैं, अगर कैश और कस्टमर का नाम दोनों दिए गए हैं तो कैश में माना जाएगा, अगर केवल कैश दिया गया है तब भी वो कैश सेल्स माना जाएगा. ये ट्रांजेक्शन है हमारा परचेज ऑफ फर्नीचर और कैश रूपीज 10,000. अब फर्नीचर और कैश दोनों ही हमारे रियल अकाउंट है, फर्नीचर आ रहा है बिजनेस के अंदर और कैश जा रहा है. सो रियल अकाउंट का रूल हम लागू करेंगे यहाँ पे, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. व्हाट कमिंग डेबिट फर्नीचर इज कमिंग, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट. व्हाट इज गोइंग आउट कैश टू कैश अकाउंट. थर्ड ट्रांजेक्शन परचेज ऑफ गुड्स और कैश रूपीज 25,000. यहाँ हमने गुड्स को परचेज किया है, गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, जाकर आया है रियल अकाउंट कैश. कैश में परचेज किया है, कैश हमारा रियल अकाउंट होता है, एंट्री रहेगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 25,000. और गुड्स फ्रॉम कमलेश रूपीज 15,000. देखो यहाँ पे हमने गुड्स को परचेज किया है, बोर्ड किया है, लेकिन यहाँ पर कैश शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है. इन दैट केस वी वुड ट्रीट इट एज परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट. क्रेडिट में हमने गुड्स परचेज किए हैं तो यहाँ हमारा क्या होगा, परचेज एक्सपेंस तो हो गया हमारा, गुड्स आ गई हमारे पास परचेज के नाम से, परचेज अकाउंट डेबिट. यहाँ कैश नहीं जाएगा, रदर हमारा एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा इन द नेम ऑफ कमलेश, जो हमारा क्रेडिटर रहेगा. तो यहाँ एंट्री रहेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश. नेक्स्ट वी आर हैविंग क्रिएट कैश टू कमलेश टू 15,000. जो हमारा क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, अगर लायबिलिटी हमारी रिड्यूस होती है तो क्या करते हैं हम, कमलेश को पे करेंगे तो क्रेडिटर को कैंसिल करने के लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा टू कैश. ठीक है, ट्रांजेक्शन रहेगी कमलेश अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी हमारी रिड्यूस हो गई है उसको डेबिट कर दिया हमने. लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं. वहीं एसेट्स के अकाउंट में हमारा अपोजिट रूल होता है, इंक्रीज इन एसेट्स ऑलवेज गिवन डेबिट इफेक्ट और डिक्रीज इन एसेट्स ऑलवेज गिवन क्रेडिट इफेक्ट. यहां हमने क्या किया, कमलेश को डेबिट किया टू कैश, कैश में पेमेंट किए तो कैश हमारा चला गया. नेक्स्ट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सोहन रूपीज 6,000. सोहन से हमने 6,000 रूपये के गुड्स क्रय किए हैं, परचेज किए हैं. इन दिस केस वी आर हैविंग नो मेंशन ऑफ द कैश, कैश का कोई मेंशन ही नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, वी हैव परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट. तो यहाँ एंट्री आ गई परचेज टू सोहन. नेक्स्ट वी आर हैविंग परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश. देखो परचेज भी है हमारे पास, परचेज तो रहेगा, सोहन भी है और कैश भी है. सो यहाँ आप लोग सोहन को प्रायोरिटी ना देकर कैश को प्रायोरिटी देंगे, एंट्री फिर से रहेगी परचेज टू सोहन. देन पेड रेंट फॉर द ऑफिस इन केस ऑफ एक्सपेंस फॉर इनकम, वेदर कैश वर्ड इज मेंशन और नॉट मेंशन, यू विल ऑलवेज ट्रीट इट एज कैश. हमने यहाँ रेंट का भुगतान किया है, कैश में ही भुगतान माना जाएगा. रेंट हमारा एक्सपेंस अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है. एक्सपेंस जब हमारा इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं और पे करेंगे कैश में, तो कैश का आउटफ्लो होगा. यहाँ एंट्री रहेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. अब जनरल के अंदर आप लोग इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट, ट्रांजेक्शन को हमें यहाँ पर नंबर के अंदर रिकॉर्ड करना है, डेट हमारे को नहीं दिया गया है. जब हमें डेट दिया जाएगा तो हम डेट वाइज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं. सो हियर वी विल बी रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द ऑर्डर ऑफ देयर नंबर इंस्टेड ऑफ डेट. डेट यहाँ मेंशन ही नहीं है, सो हम इस केस के अंदर जो
जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उनको उनके नंबर की ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे ट्रांजेक्शन नंबर वन। ट्रांजेक्शन नंबर वन के अंदर देखें स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 6000, व्यवसाय आरंभ किया 6000 रुपए के साथ, क्या आया हमारे पास कैश। सो कैश अकाउंट डेबिट और लायबिलिटी क्रिएट हो गई हमारी इन द नेम ऑफ प्रोप्राइटर, जिसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, पूंजी लगाकर व्यवसाय आरंभ किया है टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है, इंक्रीज होती है। तो यहां आप नरेशन लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, व्यवसाय की शुरुआत की कैश के साथ, अमाउंट हमारी दी गई है ₹60,000। डेबिट जो अमाउंट है वो डेबिट कॉलम के अंदर और क्रेडिट जो अमाउंट है वो क्रेडिट कॉलम के अंदर। देन यू विल सेपरेट दिस ट्रांजेक्शन फ्रॉम द सक्सेडिंग ट्रांजेक्शन। देन ट्रांजेक्शन नंबर सेकेंड, दूसरी ट्रांजेक्शन हम यहां लिखेंगे। ट्रांजेक्शन क्या है हमारी, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। फर्नीचर हमारे पास आएगा और कैश हमारे पास से जाएगा। फर्नीचर और कैश दोनों ही हमारे रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करें, डेबिट व्हाट कम्स इन दैट इज फर्नीचर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट दैट इज कैश। तो यहां हम लिखेंगे फर्नीचर। जब हम फर्नीचर को या किसी एसेट्स को परचेज करते हैं तो हम एसेट्स का नाम लिखते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन जब गुड्स को परचेज किया जाता है तो परचेज वर्ड को यूज किया जाता है, जब गुड्स को सेल किया जाता है तो सेल्स वर्ड को यूज किया जाता है। ₹10,000 डेबिट अमाउंट, डेबिट कॉलम, क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट कॉलम। यहां लिखेंगे बोर्ड फर्नीचर फॉर कैश, ट्रांजेक्शन को सेपरेट करें। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थर्ड, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। यहां गुड्स को परचेज किया है कैश के अंदर, सो परचेज टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज हमारा एक्सपेंस अकाउंट है, कैश हमारा रियल अकाउंट है। एक्सपेंस जब हमारा इनकम होता है तो डेबिट करते हैं, एसेट जब हमारा आउटफ्लो होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। ₹25,000 ₹25,000 के ट्रांजेक्शन है। यहां आप देखेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश बेटे, यहां स्पेस की स्कैसिटी की वजह से हम अपने स्पेस को ऑप्टिमली यूटिलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। बोर्ड गुड्स फ्रॉम कमलेश, कमलेश से हमने गुड्स खरीदी है, कैश का मेंशन नहीं है, तो यहां क्या मानेंगे, वी हैव बोर्ड दिस गुड्स फ्रॉम कमलेश ऑन क्रेडिट, उधार में कमलेश से सामान खरीदा गया, हमारे पास गुड्स आए हैं, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कमलेश। लायबिलिटी क्रिएट हो गई इन द नेम ऑफ क्रेडिटर। फोर्थ ट्रांजेक्शन, परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश। लायबिलिटी जब हमारी इंक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, जब डिक्रीज होती है तो उसको इंक्रीज होती है लायबिलिटी तो उसको क्रेडिट किया जाता है, और जब हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट किया जाता है। वहीं अगर हमारी एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट किया जाता है, और एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट किया जाता है। यहां हमने कमलेश को पेमेंट कर दिया है, यहां पर हमने गुड्स को खरीदा है कमलेश से, पेमेंट हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में करेंगे। 15,000 रुपए के गुड्स खरीदे उधार में। यहां हम लिखेंगे नरेशन परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदे हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फिफ्थ, पेड कैश टू कमलेश, कमलेश को भुगतान कर दिया गया तो कमलेश हमारा क्रेडिट है वो रिड्यूस हो जाएगा उसका अकाउंट। कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हमारा रिड्यूस हो जाएगा, अमाउंट 15,000 फुल पेमेंट हमने कर दिए हैं, कमलेश ने हमें कोई डिस्काउंट नहीं दिया। यहां आप नरेशन लिखेंगे पेमेंट मेड टू कमलेश ₹15,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, आप लोग एक बात ध्यान रखिए, नरेशन लिखे बगैर किसी भी ट्रांजेक्शन को आप ना छोड़ें और सेपरेट ना करें दूसरी ट्रांजेक्शन से। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ₹6,000। अब सोहन से हम गुड्स खरीद रहे हैं, कैश का मेंशन नहीं है, सो हम सोहन को क्रेडिटर मानेंगे, एंट्री आएगी परचेज टू सोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। रुपीज सिक्स
6000 रुपए के गुड्स। नरेशन आप लोग लिखेंगे गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन वर्थ 6000 और फिर आप उसको नरेशन के बाद क्लोज करेंगे। सेवन ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। सोहन से हमने गुड्स खरीदे बट कैश वर्ड भी हमारा साथ मेंशन कर रखा है तो यहां हम सोहन को क्रेडिटर के रूप में क्रिएट नहीं करेंगे, रादर वी शैल मेक कैश क्रेडिट। तो क्या करेंगे हम यहां पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में परचेज माना जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां हम क्या लिखे, आप लोगों के पास एक ऑप्शन होता है जहां पर्सनल अकाउंट आपको मिल जाए सोहन राम श्याम गीता, वहां पर आप अकाउंट वर्ड को स्किप कर सकते हैं। गुड्स परचेज वर्थ 8000, 8000 रुपए के गुड्स हमने परचेज किए हैं कैश में, तो यहाँ सोहन का कोई रिलीवेंस नहीं रहेगा। लास्ट ट्रांजेक्शन रेशन आप क्या लिखेंगे, गुड्स वर्थ 8000 परचेज इन कैश, एट ट्रांजेक्शन। लास्ट वन है हमारा पेड रेंट फॉर ऑफिस रुपीज 1000, जो एक्सपेंस होता है बेटे जहां पर अगर आपको आउटस्टैंडिंग एडवांस प्रिपेयर वर्ड ना मिले तो आप उसको हमेशा कैश में ही मानेंगे। एंट्री वुड बी रेंट टू कैश रेंट अकाउंट डेबिट, जो कि हमारा एक्सपेंस अकाउंट है, कैश हमारा रियल अकाउंट है, आउटलुक हुआ है सो आउटवर्ड 1000 रुपीज, 1000 रुपए। हमेशा यहाँ करेंसी डिनोमिनेशन जरूर लिखे अमाउंट कॉलम के अंदर, वी आर रिकॉर्डिंग दिस ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ रुपीज। एट द एंड ऑफ जनरल, जो हमारा जनरल है वहां आप टोटल करेंगे 60 plus 10 70 70 plus 25 95 plus 15 1 lakh 10,000 110 plus 15 125 plus 6 131 131 plus 8 139 139 plus 1 140। तो आप यहां लिखेंगे 140 140 और नीचे लिखेंगे आप बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट पेज पर हम इस बैलेंस को लेकर जाएंगे। In our next lecture, we'll be discussing about another problem from the same chapter of journaling. I'm sure that you have gained much knowledge about how to record business transactions in the books of account. So you can attempt numerical even in the D.K. Goyal up to number 10. So first 10 accounting problem, aap in rules ki help se solve kar sakte hain. Next accounting problem, hum 11 discuss karenge apne next lecture ke andar. Have a good day. Have a good time. Enjoy your studies. Bye.